फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, स्पेशली फॉर 11th एंड 12th. द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू क्लियर देयर बेसिक कंसेप्ट. दिस वीडियो विल श्योरली हेल्प टू यू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इन सिंप्लीफाइड वे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर. लेट्स सी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन टू पार्टीज. यहां पर क्या होता है, दो पार्टी के बीच में डील हो रही है. एक पार्टी दूसरे पार्टी से गुड परचेस कर रही है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, कैश जा रही है और गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, यानी कि एक्सचेंज हो रहे हैं. कैश जाने के बाद गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं, या फिर कंपनी क्या कर रही है, गुड्स सेल कर रही है, गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं और कैश बिजनेस में आ रही है, ये भी ट्रांजेक्शन है. लेकिन ये ट्रांजेक्शन पैसों के माध्यम से होने चाहिए, या फिर कैश में होने चाहिए या क्रेडिट में होने चाहिए, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजेक्शन. और देखेंगे हम एम्प्लॉइज जो है हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, ये भी एक ट्रांजेक्शन है. आपने इतना याद रखना है, पैसों के माध्यम से जो डील होती है दो पार्टीज के बीच में, हम उसे ट्रांजेक्शन कहेंगे. इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. फर्स्ट है मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और सेकंड है नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जो पैसों के माध्यम से हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स के बुक में होती है, इसे कहेंगे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. यानी कि कैश देकर हम कुछ गुड परचेस कर रहे हैं, यानी कि कैश परचेसेस, या फिर कैश सेल्स, हम जो गुड सेल कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. मॉनिटरी ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स है. फर्स्ट है कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन आर दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली. इसके एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. अगर हम गुड परचेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश हम इमीडिएटली पेड कर रहे हैं, या फिर गुड सेल करने के बाद कैश इमीडिएटली रिसीव कर रहे हैं. कैश पेड और रिसीव्ड ऑन द स्पॉट, जब हम कोई चीज परचेस करते हैं या सेल करते हैं उसी समय हम कैश पेड और रिसीव करते हैं, इसे कहेंगे हम कैश ट्रांजेक्शन. इसके बाद देखेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन. क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन वेयर द पेमेंट और रिसीव ऑफ कैश टेक प्लेस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड. एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको. अगर हमने गुड परचेस किए, यानी क्रेडिट पे, क्रेडिट पे यानी कि उधारी पर हमने गुड परचेस किए, तो इसका पेमेंट कब कर रहे हैं हम, इमीडिएटली नहीं कर रहे, ऑन द स्पॉट नहीं कर रहे, आफ्टर टू और थ्री मंथ के बाद हम उसको पे कर रहे हैं, या आफ्टर फ्यू डेज के बाद हम उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यह होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यानी कि इसमें कैश इमीडिएटली नहीं पे कर सकते हम, लेकिन इसे हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें कैश तो पेड हो रही है लेकिन इमीडिएटली ना होते हुए आफ्टर सम टाइम, यानी फ्यूचर डेट में हम कैश पेड कर रहे हैं, इसे कहेंगे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन. अभी हम देखेंगे ट्रांजेक्शन का सेकंड टाइप, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी और मनी इज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट.
नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की अकाउंट्स की बुक में कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है. एंड एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग, यानी कि एक चीज देकर दूसरी चीज लेना, इसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. एग्जांपल दूंगा मैं आपको, राइस देकर व्हीट ले रहे हैं आप, कॉटन देकर वेजिटेबल ले रहे हैं, यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक चीज दे रहे हैं दूसरी चीज ले रहे हैं. ऐसे ट्रांजैक्शन बहुत साल पहले विलेज में होते थे, अभी भी कुछ विलेज ऐसे हैं वहां पर भी इस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं. नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है एंट्री. एंट्री इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. टू पास एन एंट्री मीन्स टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर फॉर्म by using the correct technique in the books of account. Entry यानी क्या होती है, जो transaction होता है उसके recording accounts के book में करते हैं proper form में, उसे हम entry बोलेंगे. यानी के accounts के book में लेके journal में हम उसकी recording करेंगे, उसे हम बोलेंगे entry. Next basic concept है narration. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as narration. It is given in bracket below the journal entry and it usually start with the word being or for. Transaction की हम general entries लिखते हैं, उसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है ये एंट्री किससे रिलेटेड है, वो हम एंट्री के नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं और उसका स्टार्ट होता है बीइंग से. मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जो आप जनरल एंट्रीज आगे पढ़ने वाला है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. हम सैलरी पेड करते हैं तो इसकी जनरल एंट्रीज कैसे आती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इसका इन शॉर्ट में ये जो जनरल एंट्री से इसके नीचे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्टार्ट होता है बीइंग से, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करता है कि ये जो एंट्री है किससे रिलेटेड है, वहां पर लिखेंगे हम बीइंग सैलरी पेड. इस तरीके से हम इसका नरेशन लिखते हैं, इसे कहते हैं नरेशन. नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है गुड्स. दीज आर द कम्युनिटीज इन विच द प्रोप्राइटर डील. Goods are always purchased for resale at a profit. Goods यानी क्या होता है, जो चीज proprietor sell out कर रहा है वो उसके लिए goods है. मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर किसी की चेयर की शॉप है, वो अगर चेयर सेल आउट कर रहा है तो चेयर क्या है उसके लिए, goods है. कोई मेडिकल स्टोर है और वहां पर मेडिसिन का सेल हो रहा है तो मेडिसिन क्या है, goods है. यानी कि अकाउंट की लैंग्वेज में बोलेंगे हम जो चीज रिसीव हो रही है परचेस करने के बाद में, उसे हम गुड्स बोलेंगे. कोई शॉपकीपर अगर शुगर सेल आउट कर रहा है तो शुगर उसके लिए क्या है, गुड्स है. तो आपने याद रखना है जो चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चीज सेल आउट होती है, या चीज जो प्रोप्राइटर होता है, जो शॉपकीपर होता है, जो चीज वो सेल आउट कर रहा है वो अकाउंट की लैंग्वेज में उसे हम गुड्स बोलेंगे. Goods are always purchased for resale at a profit. This concept is capital. It is the amount invested in the business by the proprietor for use in business. Capital क्या होता है? Owner जो है amount invest करता है business में, इसलिए करता है वो business run करने के लिए. Business एक अलग entity होता है और owner एक अलग entity होता है. जो बिजनेस में ओनर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में क्या होता है, बैलेंस शीट में एक उसका अकाउंट क्रिएट होता है जिसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं और वो लायबिलिटी साइड में आता है, क्योंकि बिजनेस को ये अमाउंट ओनर को रिटर्न करना होता है. बिजनेस की वो लायबिलिटी रहती है. अगर ओनर ने 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो
कंपनी करती है उसका एक लाइब्रेटरी बैलेंस शीट के लाइब्रेटरी साइड को कैपिटल अकाउंट क्रिएट करती है और वहां पर 5 लाख रुपए उसके आ जाते हैं। लेकिन और भी उन्होंने कुछ गुड्स इन्वेस्ट किया है कंपनी में 1 लाख रुपीज के, तो ये भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है ओनर, तो ये क्या होता है 1 लाख रुपीज वो कैपिटल में एड हो जाएगा, यानी कंपनी की लाइबिलिटी 5 से 6 लाख हो जाएगी। अगला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम ड्राइविंग्स। इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस इन कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोप्राइटर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या फिर गुड्स बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, इसे कहेंगे हम ड्राइविंग। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, प्रोप्राइटर या फिर ओनर उसके लड़के की जो फीस है स्कूल फीस वो पे कर रहा है, यानी कि कैश बिजनेस से विड्रॉ करके, तो इसे बोलेंगे हम ड्राइविंग। या फिर जो प्रोप्राइटर है वो बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहा है वो भी हम बोल सकते हैं ड्राइविंग है। जो अमाउंट या फिर जो गुड्स विड्रॉ करता है वो उसके कैपिटल में से माइनस हो जाता है। अगर उसका कैपिटल है 5 लाख रुपीज, अगर वो 10,000 या गुड्स कंपनी में से विड्रॉ कर रहा है या फिर 10,000 रुपीज वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है कंपनी में से, तो उसका कैपिटल 5 लाख में से ये 10,000 माइनस हो जाएंगे और उसका कैपिटल रहेगा 4,90,000 रुपीज। अगला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम डेटर्स। These are the persons and other entities who are to pay an enterprise an amount for receiving goods and services on credit. ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों ने हमारे कंपनी से गुड्स क्रेडिट पे लिया है लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे हमें रिटर्न नहीं दिए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अगर 5 लोगों ने हमारे से गुड्स परचेस किए हैं लेकिन वो हमारा पेमेंट कब देने वाले हैं, वो फ्यूचर डेट में हमको पेमेंट देने वाले हैं, यानी कि अभी तक उन्होंने हमको पेमेंट दिया नहीं है, तो वो 5 लोग कौन है, हमारे डेटर्स है, उनके फ्यूचर में हमको पैसे आने वाले हैं। अगला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम क्रेडिटर्स। अ पर्सन टू हुम मनी इज पेबल फॉर गुड्स एंड सर्विसेस परचेस और रिसीव्ड The business is known as creditor. जो लोगों से हमने क्रेडिट पे गुड्स लिया है यानी कि उधारी पे गुड्स लिया है लेकिन अभी तक हमने पैसे दिए नहीं है उनके, तो वो क्या है, हमारे क्रेडिटर्स। अगला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम बैड डेट्स। द डेट्स विच आर नॉट रिकवरेबल। एक एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको इसका भी, जैसा कि मैंने बताया था आपको डेटर्स के एग्जाम्पल में, 5 लोगों ने हमारे से गुड्स क्रेडिट पे लिया है 1-1 लाख रुपए के, तो वो लोग हमारे लिए डेटर्स थे। लेकिन उसमें से जो 2 लोग हैं अजय और विजय, जो लोगों ने 1-1 लाख के गुड्स हमारे से क्रेडिट पे लिया है, उन्होंने बताया था कि हम फ्यूचर डेट में आपके पैसे रिटर्न करेंगे, लेकिन वो 2 लोग 5 में से वो 2 लोग ऐसे है जिन्होंने कहा है क्या हम आपके पैसे रिटर्न नहीं करने वाले हैं, यानी कि हमारे पैसे वो डुबा देने वाले हैं, वो लोग हमारे लिए क्या होते हैं, बैड डेट्स। द डेट्स विच आर नॉट रिकवरेबल, यानी कि हमारे आना थे 5 लाख रुपए, अब उसमें से अजय और विजय ये ऐसे 2 पर्सन हैं जो लोगों ने हमारे पैसे 2 लाख रुपए डुबा दिए हैं, उन्होंने ये हमें बता दिया है कि हम आपके पैसे रिटर्न नहीं करने वाले हैं, वो है हमारे लिए बैड डेट्स। अगला बेसिक कंसेप्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मींस अ पर्सन हुज असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी, यानी कि जो पर्सन की असेट यानी कि प्रॉपर्टी ये ज्यादा होती है और लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी यानी कि मार्केट में उसको देना कम होता है और असेट उसकी ज्यादा होती है, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है इनसॉल्वेंट।
इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट, यानी कि ऐसा पर्सन है जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, यानी कि मार्केट में इसको पैसे देना ज्यादा है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कम है, ऐसे पर्सन को बोलेंगे हम इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम लॉस। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस इट इज अ लॉस। यहां पर क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कम है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो है 60,000 और सेलिंग प्राइस है 50,000, तो यहां पर क्या हो रहा है हमको 10,000 का लॉस हो रहा है। जितने की वो गुड्स है उतने में सेल आउट नहीं हो रहे हैं, उससे कम पैसों में सेल आउट हो रहे हैं, यानी कि 60,000 के गुड्स हम 50,000 में सेल आउट कर रहे हैं, तो यहां पर 10,000 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। यहां पर दिया है प्रॉफिट डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, तो जो कैपिटल होता है उसमें से ये लॉस माइनस होता है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है प्रॉफिट। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, इफ गुड्स आर सोल्ड ऑफ ₹50,000 एंड ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड अमाउंटेड ₹30,000 देन प्रॉफिट इज 20,000। यहां पर क्या हो रहा है, जो गुड्स हमने परचेस किए हैं वो है 30,000 में अदर एक्सपेंसेस मिलाकर, और वो हम सेल कर रहे हैं 50,000 में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है फिर 20,000। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है असेट। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड एन असेट। द ओनरशिप ऑफ द असेट मस्ट बी विद बिजनेस यूनिट। यहां पर असेट के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, मैं भी विद एग्जांपल आपको बताता हूं। असेट यानी कि वो चीज जो हम उसके ओनर है। एग्जांपल बता रहा हूं मैं, हमारे कंपनी में फर्नीचर है, कंप्यूटर है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश है, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये क्या है हमारी असेट है। जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको हम रीसेल करने के बाद जिससे हमें पैसे आ सकते हैं, जो जिसको मॉनेटरी वैल्यू है वो हमारी असेट है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यानी क्या, हमारी असेट। कंपनी में जो भी चीज को रीसेल वैल्यू है और हम उसके ओनर है वो असेट होती है। एग्जांपल और एक दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपके घर में आपकी असेट कौन कौन सी हो सकती है, आपका घर ये प्रॉपर्टी है आपकी, आपके जेब में पैसे है वो भी आपकी प्रॉपर्टी है, टीवी है, फ्रिज है, फैन है, टेबल है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, यानी कि जो चीज को मॉनेटरी वैल्यू रहती है और हम उसके ओनर रहते हैं वो हमारी क्या है असेट है। अगला बेसिक कंसेप्ट है लायबिलिटीज। द अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। इट इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज फॉर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट। लायबिलिटी क्या होता है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। लायबिलिटी यानी कि हमारे बिजनेस का मार्केट में देना कितना है, यानी कि पैसे मार्केट में हमारे देना कितने हैं, जो देना होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ओनर जो है बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, लेकिन ओनर एक अलग एंटिटी होता है, बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है। जो ओनर पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है यानी कि बिजनेस ओनर से पैसे लेता है, यानी कि वो भी एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो ओनर से पैसे लिए हमने, उसको रिपेमेंट करना है।
आपने बिजनेस के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि हम बिजनेस है और बिजनेस को मार्केट में पैसे देना है जिनसे हमने उधारी में लिए हैं। जैसे हमने बिजनेस रन करने के लिए और भी पैसे कम गिरे, हम क्या करते हैं, बैंक से लोन निकालता है बिजनेस। बैंक से लोन निकाले तो बिजनेस को क्या है, बैंक लोन के पैसे देना है, रिपेमेंट करना है वो पैसे का, वो भी एक लायबिलिटी है। जो भी पैसा मार्केट में हमको देना है बिजनेस रन करने के लिए हमने लिया है लोगों से, वो रिटर्न देना है, वो हमारी क्या होती है, वो होती है लायबिलिटी। बहुत से पर्सन ने हमारी कंपनी में काम किया है लेकिन हमने एक साल से उनकी पेमेंट नहीं की है, तो वो क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी देना बाकी है, वो भी हमारी लायबिलिटी है। बिल्डिंग लिया है हमने रेंट से लेकिन 6 मंथ से उसका रेंट पे नहीं किया है, तो वो भी एक हमारी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। हमने गुड्स उधारी पर लिए हैं, यानी कि क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं मार्केट में से, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, उसे कहते हैं क्रेडिटर्स, तो वो भी एक पैसे हमारे देना बाकी है, वो भी क्या हमारे लायबिलिटी है। बिल्स पेबल, बिल्स के पैसे अभी तक हमने पे नहीं किए हैं, तो बिल्स पेबल भी क्या है, लायबिलिटी है। जो भी मार्केट में बिजनेस को देना होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है, जो बिजनेस यूनिट, जो ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है सिर्फ पैसा अर्न करना, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। गुड्स परचेस करके रीसेल करना और प्रॉफिट कमाना ये मोटिव होता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। उसे हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, इसे कहते हैं हम ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न देखने के बाद में अब हम देखेंगे नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एस्टेब्लिश होता है जो लोगों को प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सिर्फ सोसाइटी की सेवा करना ये उनका उद्देश्य होता है, इस वजह से ये नॉट फॉर ट्रेडिंग कंसर्न एस्टेब्लिश करते हैं और सोसाइटी की सेवा करने का ऐसा इनका उद्देश्य होता है। नो लॉस नो प्रॉफिट भी ऑपरेशन चलता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, कल्चर आर्ट्स, इस माध्यम से ये सोसाइटी की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, ये इनका एम प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है, ये नो लॉस और नो प्रॉफिट पे ये ऑपरेशन रन करते हैं। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग ईयर। इट्स बिगिन ऑन 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March। प्रोप्रेटर हैज प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स 31st March को वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। जैसे कि हम हमारा जो नया सरकार से स्टार्ट होता है 1st January से, और उसका एंड क्या होता है 31st December को। लेकिन यहां पर बिजनेस में कोई भी ओनर हो, प्रोप्राइटर हो, उनका नया साल स्टार्ट होता है 1st April से और उसका एंड होता है 31st March को, तो ये 12 मंथ आपने कंसिडर किए, 12 मंथ होते हैं अप्रैल से तो मार्च तक। लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर 1st April 2019 है तो इसका एंड कहां होगा, यहां पर ईयर चेंज हो रहा है 31st March 2020 को, यानी कि ये 12 मंथ का ईयर होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। अगला बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी क्या, खर्च, यानी कि हम जब गुड परचेस कर रहे हैं, कोई असेट परचेस कर रहे हैं, वहां पर हम जो एक्सपेंसेस यानी कि पैसे खर्च कर रहे हैं, अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो उसे को बोलेंगे हम एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सेकंड है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट देखेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है हम देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट मींस हम ऐसा अमाउंट स्पेंड करते हैं कि जिसका बेनिफिट, जो चीज हम खरीद रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, जो असेट हम परचेस कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म तक मिलना चाहिए। दिस एक्सपेंडिचर इज
incurred to acquire fixed asset or to increase the value of fixed asset, it gives the benefit for long period. अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो मशीनरी का बेनिफिट हम बहुत सारे तक ले सकते हैं. कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं. यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो हम असेट परचेस कर रहे हैं वो असेट का हम लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट ले सकते हैं, उसे बोलेंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगला टाइप देखेंगे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ये स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन ये बेनिफिशियल होते हैं एक्सपेंसेस कंपनी के लिए, लेकिन इसका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक नहीं ले सकते हैं, इसे कहेंगे हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट आता है, रूल्स ऑफ अकाउंट आता है, तो आपको जर्नल एंट्रीज करते आएंगे. इस वजह से टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने बेसिक कंसेप्ट में यहां पर आपके लिए इंक्लूड किया है. तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट. अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली आते हैं आपको तो आपको रूल्स, इसके रूल्स आएंगे आपको, अकाउंट्स के रूल पता आएंगे आपको अगर टाइप्स ऑफ अकाउंट आता है तो. इसके बाद में आप जनरल एंट्रीज भी कर सकते हैं. इस वजह से अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट. अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. अभी हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सनल को, पर्सन को रिप्रेजेंट करता है. नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एग्जांपल बता रहा हूं, अमित अकाउंट, सुमित अकाउंट, अजय अकाउंट, विजय अकाउंट, यानी कि पर्सन को ये रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट. इसके बाद में ये एंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है. ये आएगा आर्टिफिशियल अकाउंट में, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, जैसे कंपनी का अकाउंट हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज कंपनी, या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी कंपनी हो, वो आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में. इसके बाद देखेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, अगर आपकी कंपनी है और आपको सैलरी पे करना बाकी है, 50 लोगों की सैलरी आपने 2 महीने से पे नहीं की है, यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो 50 लोगों के नाम थोड़े आएंगे यहाँ. तो वो जो ग्रुप है, यानी कि कितने लोगों ग्रुप है, 50 लोगों का, डायरेक्ट हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी. सैलरी पे करना बाकी है, रेंट पे, रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट देना बाकी है, तो हम लिखेंगे यहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट देना बाकी है. या फिर एडवांस में कुछ ले लिया हमने, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट में क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा जो आउटस्टैंडिंग है, जो एडवांस में ले लिया, जो प्रीपेड है, प्रीपेड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये सभी आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में. अब इसके बाद देखेंगे हम इम्पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रियल अकाउंट, नेक्स्ट देखेंगे हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के दो टाइप्स है, रियल और नॉमिनल. तो रियल अकाउंट में कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट ये प्रॉपर्टी का अकाउंट है, यहां पर जितनी भी एसेट है वो पूरी कहां पर आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी. तो फर्स्ट देखेंगे हम टेंजिबल रियल अकाउंट. टेंजिबल रियल अकाउंट, वी कैन टच दैट एसेट, वी कैन सी दैट एसेट. इसमें ऐसी एसेट आएंगी जो एसेट को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो अकाउंट आएगा टेंजिबल रियल अकाउंट में. उसका उसके बाद है इनटेंजिबल रियल अकाउंट. रियल अकाउंट के दो टाइप्स है, टेंजिबल और इनटेंजिबल. इनटेंजिबल, इसमें ऐसी एसेट आती है, वी कैन नॉट सी दैट एसेट, वी कैन नॉट टच दैट एसेट. हम वो एसेट को टच नहीं कर सकते, हम वो एसेट को देख नहीं सकते. एग्जांपल हो गया गुडविल हो गया, उसके बाद में हो गया पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं. इसके बाद देखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट के दो टाइप्स है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. यानी कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, एक्सपेंसेस हुआ है नॉमिनल अकाउंट में, लॉस हुआ है नॉमिनल अकाउंट में, इनकम हुआ है नॉमिनल अकाउंट में, गेन हुआ है नॉमिनल अकाउंट में. यानी कि नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ये सभी गायब रहेगा नॉमिनल अकाउंट में. आपने याद, आपने इतना ही याद रखना है, अगर आपको पूछेगा कितने टाइप्स के अकाउंट है, आपने 3 टाइप्स बताना है हमको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. आपने इतना ही याद रखना है. पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सन को, बिजनेस एंटिटी. इसके बाद में
रियल अकाउंट का क्या अकाउंट है? रियल अकाउंट प्रॉपर्टी का अकाउंट है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस की वो रियल अकाउंट में आएंगी। नॉमिनल अकाउंट का क्या अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट में आएगा इनकम, गेन, एक्सपेंसेस और लॉसेस, जितना आपने याद रखना है। हमने बेसिक कंसेप्ट देखा है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा है, और भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ अकाउंट। अगर रूल्स आपको आते हैं अकाउंट के, तो आप जनरल एंट्रीज अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉपरली कर सकते हैं, और 100% आपको जनरल एंट्रीज आ जाएगी। तो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है अकाउंट्स के रूल कौन से हैं, इसे हम गोल्डन रूल कहते हैं। तो गोल्डन रूल देखेंगे हम। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब ऐसा होता है जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, डेबिट द रिसीवर। एग्जाम्पल, कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक, बैंक अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है, और वो क्या कर रही है? कैश रिसीव कर रही है। बैंक अकाउंट बीइंग पर्सनल अकाउंट, रूल्स ऑफ एप्लीकेबल हियर, डेबिट द रिसीवर, यानी कि बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डेबिट होगा, यानी कि जो कैश रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पर रूल कौन सा एप्लीकेबल होगा? डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला होता है, अगर हमने गुड परचेस किया अमित से, परचेस गुड्स फ्रॉम अमित, तो अमित से गुड परचेस किए, अमित इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट हियर, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट पे गुड्स दिया है अमित ने, तो जो दे रहा है उसे क्रेडिट करो। अमित अकाउंट बीइंग पर्सनल अकाउंट, टू रिसीव द गिवर हियर, क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसे क्रेडिट करना है, क्रेडिट द गिवर, इसलिए आपने रूल्स याद रखना है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट अकाउंट देखेंगे हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट ये प्रॉपर्टी का अकाउंट है हमारा, ये हमारा असेट अकाउंट है। इसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एग्जांपल, परचेस मशीनरी फॉर ₹50,000, यहां पर क्या हो रही है? मशीनरी अकाउंट बीइंग रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बीइंग रियल अकाउंट, एंड मशीनरी इज कमिंग टू द बिजनेस, दैट्स व्हाई द रूल्स एप्लीकेबल हियर, डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी अकाउंट ये रियल अकाउंट है, और मशीनरी हमारी प्रॉपर्टी है और वो बिजनेस में आ रही है, तो कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा वहां पर? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो आपने याद रखना है, अगर वो प्रॉपर्टी है, वो हमारे असेट है, तो जो बिजनेस में आ रही है तो उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। ये रूल याद रखना है हमने रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, लेकिन वो असेट होनी चाहिए, जो भी बिजनेस में आ रहा है वो असेट होनी चाहिए, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, असेट है, वो बाहर जा रही है, अगर कैश बाहर जा रही है, हम मशीनरी परचेस किए तो क्या जाएंगे? हमारे कैश जाएंगे। कैश अकाउंट बीइंग रियल अकाउंट, जरूर से देखिए भैया, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कैश जा रही है हमारी, कैश जा रही है, इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। जो बिजनेस से जाता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट वॉस गोज आउट। जो हमारे असेट है वो बिजनेस से जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आपने रूल याद रखना है रियल अकाउंट का, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। थर्ड रूल देखेंगे हम नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अगर इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट में, गेन होता है नॉमिनल अकाउंट में। इसका रूल देखेंगे हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हमको एक्सपेंसेस हुआ है, हमारा लॉस हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट क्या होगा? जो भी हमारा इनकम हुआ, गेन हुआ, उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो याद रखना है नॉमिनल अकाउंट का रूल अपने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन।